सीएम हुड्डा के खिलाफ नारेबाजी को लेकर अब गठबंधन साथी हजकां भाजपा आमने सामने हो गए हैं। रामविलास शर्मा ने जहां सीएम हुड्डा पर निशाना साधा, वहीं हजकां सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने भाजपाइयों के नारेबाजी को गलत करार दिया, जैसे कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में सीएम के खिलाफ हुई हुटिंग को लेकर अब गठबंधन साथी हजकां भाजपा भी खुलकर आमने सामने आ गई है। एक तरफ हजकां सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने नारेबाजी को गलत करार दिया, तो वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रामविलास शर्मा ने कहा कि कांग्रेस बौखला कर बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। गौरतलब है कि कैथल में हुई रैली के दौरान सीएम हुड्डा के खिलाफ नारेबाजी की गई थी, जिसके बाद सीएम हुड्डा ने बीजेपी पर मर्यादा उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा था कि वे बीजेपी की किसी रैली में नहीं जाएंगे। बहरहाल जहां गठबंधन साथी एक मुद्दे को लेकर अलग अलग बयानबाजी दे रहे हैं, वहीं फिलहाल गठबंधन पर स्थिति अब भी साफ नहीं है। किसी भी नेता का चाहे वो किसी मंच पे हो, पब्लिक को पूरी बात सुननी चाहिए। इस प्रकार की हुटिंग शोभनीय नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान भारत के संस्कृति के खिलाफ है। ये हुटिंग वोटिंग नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता से घबरा गई, बौखला गई, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उन्होंने इतना मान सम्मान किया, इतना सब अच्छा अच्छा किया। और पहले हुड्डा साहब ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के मंच पर नहीं जाऊंगा, फिर ऑल इंडिया कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी के मंच पर कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री नहीं जाएगा। ये कांग्रेस ने और भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की जनता जनार्दन का निरादर किया। पहले गेंद बीजेपी के पाले में होने के चलते अमित शाह से कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात के बाद अब ये गेंद हजकां के पाले में आ गई है। शर्मा ने गठबंधन पर कहा कि अब फैसला हजकां को लेना है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को रखना चाहती है, अब गेंद कुलदीप जी बिश्नोई के पाले। हालांकि गठबंधन को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात को पॉजिटिव करार दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जहां बीजेपी गठबंधन के पक्ष में नजर आ रही है, वहीं हजकां भी गठबंधन रखने के मूड में दिख रही है। लेकिन देखना होगा कि हजकां अब क्या फैसला लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।